हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं अट्टा मार्केट। दिस इज माय फर्स्ट टाइम। मतलब मैंने सुना है अट्टा मार्केट के बारे में कि नोएडा में ऐसा मार्केट एग्जिस्ट करता है, बट मैं कभी गई नहीं हूँ। हम लिटिल बिट एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ। सो लेट्स सी कैसा होने वाला है वो मार्केट। ओके, सो अट्टा मार्केट आने के लिए बहुत इजी है कि आप एक मेट्रो लो और डायरेक्ट मेट्रो नोएडा सेक्टर 18 पे आप उतर जाओ और मेट्रो के नीचे ही ये बड़ी सी मार्केट लगती है। सो इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू, एंड देन यहाँ से हमारी हंट शुरू होती है। मैं पहली बार अट्टा मार्केट आई हूँ एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। बट एट द सेम टाइम ये मुझे ना मुंबई की स्ट्रीट मार्केट वाली फीलिंग दे रहा है। मुंबई में भी ऐसी मार्केट होती है, लंबी और सिरोड की साइड में ऐसे होंगी दुकानें। मतलब ये दिस इज नॉट योर टिपिकल सरोजी या लाजपत मार्केट, इट्स डिफरेंट। ओह माय गॉड, जूते की शॉप। चार कलर्स भी देख रहे हैं, 400। I was quite impressed यहाँ के कलेक्शन से। आई मीन लड़कों का बहुत अच्छा कलेक्शन था एंड फाइनली इतनी सुंदर जैकेट। मतलब मैंने कभी किसी भी मार्केट में लड़कों की इतनी अच्छी कलेक्शन नहीं देखी जितनी यहाँ पे थी, एवरीथिंग। और मैं ये देख रही हूँ कि इस मार्केट में लड़कों के लिए ज्यादा बैग हैं, जिनको लेना है वो तो घूमते रह रहे हैं, पता नहीं। अच्छा, वो घूम ही रहे हैं, वेरी गुड। हेलो दी, इस मार्केट में लड़कों का ज्यादा ऑप्शन है ना, लड़कियों का तो इतना मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बट लड़कों के लिए अच्छी मार्केट है भाई। माइकी, हाँ वाह, दो सहेलियाँ, ये दो मेरी सहेलियाँ हैं। हाय सखी, कितने के हैं ये पूरे ट्रैक सूट? 1200। बाबा आग लगी है। सो वेन आई से एवरीथिंग एंड एनी थिंग मीन्स एवरीथिंग एंड एनी थिंग, आई मीन यहाँ पे कपड़े हैं, शूज़ हैं, लड़कों के तो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। डेफिनेटली वी डिड नॉट एक्सप्लोर गर्ल्स के मार्केट, बट बॉयज़ के तो अच्छे कलेक्शन थे। प्लस यहाँ पे जो ये फॉर्मल शूज़ हैं इनका प्राइस था अराउंड 500-600 एंड 1000 एंड सो ऑन। एंड देन यहाँ पे यू कैन सी ये सारे ड्यूप्स हैं नाइकी के, एडिडास एंड ऑल दैट। और वो वाले नाइकी, ब्लू वाले जॉर्डन नाइकी के जो भी है वो ड्यूप कॉपी जो भी है वो, उसका प्राइस उन्होंने कोट किया 1000। सो आई वाज लाइक ठीक है। एंड मैंने उनमें से इनके प्राइजेस पूछे, ये जो टी शर्ट में ट्राई करी थी तो ही सेड 400 एंड 400 में आई एम लाइक बहुत अच्छी क्वालिटी है यार। एंड प्लस ये ब्रांड न्यू पीसेज हैं, आई मीन ऐसा नहीं है कि जैसे सरोजनी में कई बार ऐसे सेकेंड हैंड ऐसे सब कुछ होता है ना, तो ये ऐसा नहीं है, एकदम फ्रेश पीस है। So I was like, wow. अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपके पास ना ऑप्शंस भी रहेंगे, एज इन अगर आपको बाहर ठेली या पटरी से नहीं लेना, यहाँ पे शॉप्स भी हैं। ऑल दो शॉप में भी सेम सामान मिलता है, बट देन इट्स योर चॉइस। एंड देन ओ माई गॉड, मुझे डेनिम जैकेट इतनी अच्छी लग रही थी ना यहाँ पे, ये वाली। ओके, सो थोड़ा सा और हमने एक्सप्लोर किया, थोड़ी और चीज़ें खरीदी, फिर हम पहुँच गए GIP। आई वाज सो एक्साइटेड टू गो टू दिस मॉल, बट द मार्केट वाज प्रीटी गुड, बट फिर भी हम GIP आ गए क्योंकि उसके पास में ही है। सो यहाँ पे भी मतलब इतने टाइम बाद आई हूँ GIP। ओ माय गॉड, मुझे याद भी नहीं कि ये मॉल ऐसे दिखता था। मैंडेटरी वॉशिंग से दी से पूछती हूँ, दी आपको कैसे लग रहे हैं इस मॉल, प्यारे इस मॉल में आके? ठीक सा है। ओह अच्छा, पार्टी ये मॉल मतलब ठीक ठाक, पता नहीं, बहुत खाली खाली और सुनसान मॉल है। प्लस यहाँ पे कोई अच्छे ब्रांड्स नहीं है,
हमने एक्सपेक्ट बहुत किया था, बट लेट्स सी अभी तो हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया, नो आईडिया। बहुत मजे हो रहे शाम के, ओ क्यूट बनी आईपी, तो बहुत मुझे मतलब मजा ही नहीं आया, बिल्कुल बकवास मॉल है जी आईपी, कुछ है भी नहीं वहाँ पे, ना वहाँ पे स्टोर्स हैं, इतना खाली खाली सुनसान सा मॉल है। अब हम जा रहे हैं DLF मॉल ऑफ इंडिया, क्योंकि आई गेस वो अच्छा मॉल है और हमें ज़ारा से कुछ सामान लेना है। वो कोई मेरा फोन ना छिड़क ले, हमें ज़ारा से थोड़ा बहुत सामान लेना है, तो यहाँ मुझे ना ज़ारा होगा, बट DLF मेरे पास में है, तो हम अभी DLF जा रहे हैं। आई होप DLF अच्छा होगा। हमें हमारी डेस्टिनेशन दिख गई, हम चार लोग हैं, छह दोस्त थे पर चले गए, और ये है सुन्नू, जिनका मतलब दिल्ली में ऐसे फर्स्ट टाइम है, ये कभी मतलब ऐसे दिल्ली में रहे नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है इनको भी घुमा लेते हैं थोड़ा सा। कल हमने नाइट लाइफ देखी, आज हम मॉल देख रहे हैं और साथ साथ में आपको भी घुमा रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन था कि हम लिफ्ट लेते, पर हम सीढ़ियाँ लेंगे इतनी लंबी, क्योंकि हमें इनका फैट लॉस करना है। हाँ 70 किलो करना है, चलो गो, 5 6 आपकी नोदी, टिकड़िक टिकड़िक भागो। कल एक्चुअली ये आइडिया क्यों आया, कल शाम को हम जा रहे थे और ऐसे ना पूरे जाम को ऐसे ना थाईज एकदम स्टक हो गई, मैंने बोला है अभी से बुढ़ापा आ गया, ट्रैकिंग कैसे करेंगे, इसीलिए सीढ़ियाँ चुनी है हर टाइम, क्योंकि हमें अभी से बूढ़ा नहीं होना है। या आपका स्वागत करता है, ये हुई ना बात यहाँ पे आ रही है ना, मॉल वाली फीलिंग आ रही है ना। आई लव द लाइटिंग ऑफ हियर, जस्ट लव इट, दिस इज व्हाट आई कॉल मॉल, मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड ज़ारा में अपना OOTD चेक करने के बाद हमने थोड़े से परफ्यूम चेक किए, एंड ओ माई गॉड मज़ा आ गया। ज़ारा के परफ्यूम मुझे अच्छे लगते हैं, उनके पास इस बार बहुत मस्त कलेक्शन आई थी, आई मीन स्प्रिंग कलेक्शन थी पूरी, सो वी बॉट सम। हमने ज़ारा से शॉपिंग कर ली, जो चाहिए था वो मिल गया, और वो जो हमारा दोस्त है हमने उसको भी मॉल घुमा दी दिल्ली के मॉल, उसने कहा मुझे लाइफ पसंद नहीं है, हमने बोला इट्स ओके। अब हम यहाँ पे कुछ खाने पीने आए, यहाँ पे बहुत सारे वो हैं, उसको मोमोज खाने की क्रेविंग हो रही है, तो मोमोज खाने आए। अच्छे मोमो बट अ बर्गर। अब यहाँ पे हम कुछ खाने पीने आ गए हैं, वो थोड़ा सा मोमोज सोचने के बाद दी और उन्होंने गोलगप्पे खाए, मुझे तो यहाँ पे गोलगप्पे खाने का मन नहीं हो रहा था, बट उन्होंने खाए। At the metro station. अब हम यहाँ से जाएंगे द्वारका सेक्टर 18 जाएंगे। ये हाँ सॉरी नहीं, हाँ ये नोएडा 18 है। हमें कहाँ जाना चाहिए लास्ट में जाने? द मेट्रो भैजी। And that's how the day ended. I mean, this was very easy peasy chill out vlog, guys. I hope you liked the video and I hope you enjoyed. I'll see you guys in the next video. Till the time, keep going, keep growing. Lots of love and thank you so much for watching. Bye.